दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ एक नए और फ्रेश वीडियो के साथ। और इस वीडियो का थंबनेल देखे तो गाइज आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि मैं इस वीडियो में दो टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। पहला है लेनोवो k8note में आने वाले नए अपडेट के बारे में, और दूसरा है कि लेनोवो बिगेस्ट लाई, जो मैंने थंबनेल पे लिखा है कि बिगेस्ट लाई। ओके, यानी कि लेनोवो वाले ने हमसे इतना बड़ा झूठ कहा है जो यूट्यूब पर किसी के नज़र के सामने नहीं आया है। अगर आया भी है लेकिन वो लोग आपके सामने नहीं लेके आया है। लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करने वाला हूँ कि मुझे क्या पता चला है लेनोवो वाले की तरफ से, और उन लोग हमसे कितना बड़ा झूठ छुपाया है वो आपको पता चल जाएगा अगर आप इस वीडियो को कंड लास्ट तक देख लोगे। तो आप सभी से एक विनती है कि अगर आप लेनोवो k8note यूज़र है या फिर k8 Plus भी है तो भी इस वीडियो को देखिए, तभी आपको लास्ट वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। और उसके बाद आपको आपको क्या लगता है आपको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, मैं लेनोवो फील्ड में आ गया हूं, और यहां पे जो आया है सबसे ऊपर है देखिए लेनोवो k8note मेंडर सिलोची नोट 1 अप्रैल 2019, और टाइम भी दिया है कि 8:26 रात को ये रिलीज किया गया है। ठीक है, तो मैं इसको क्लिक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आ चुका है मटेरियल एक्सेटेड। अब मैं ये पढ़ के आपका टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, बस मेन्यू मुद्दे पे आता हूँ। देखिए यहाँ पे अनाउंसमेंट दिया गया है कि इसमें आपको मिलेगा 5 मार्च 2019 का सिक्योरिटी पैच अपडेट। ओके, तो आप तो आप समझ गए होंगे, और आप तो ये वाला वीडियो तो अब यूट्यूब पे 2 दिन पहले ही आपको शायद मिल चुका होगा। लेकिन मैं इसलिए मुझे भी मिल गया था इसका न्यूज़, लेकिन मैंने 2 दिन बाद क्यों की वीडियो बना रहा हूँ आप वो भी आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। वीडियो को देखते रहिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे तो ये भी आप जरूर वीडियो देख चुके होंगे यूट्यूब पर, लेकिन मुझे मेरा मूड नहीं था कि इसके ऊपर वीडियो बनाने का। लेकिन मैं लास्ट तक मैंने सोचा कि क्यों ना मेरा जो मेन मकसद है वो आप तक पहुँचा दिया जाए, और मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे उसके बाद देखिए स्टेबिलिटी इंप्रूवमेंट दिया गया है कि इसमें बग्स फिक्स किया जाएगा। उसके बाद नीचे देखिए GPS सिस्टम चेंज, और यानी कि आपको इसमें जो GPS सिस्टम है वो थोड़ा हाई क्वालिटी का मिल जाएगा। और गाइस इसके इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप कैसे इसे इंस्टॉल करोगे वो करोगे। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो 1 अप्रैल 2019 को जो लॉन्च किया था वो लेनोवो वाले ने कि ऑफिशियल वेबसाइट में कि एक सॉफ्टवेयर अपग्रेड आने वाला है, और इसके बारे में तो मैं आपको बता दिया, और इतना तक तो आपको यूट्यूब पे किसी ने भी बता दिया है। लेकिन आप बताता हूँ कि इसमें जो मैंने आपको पार्ट टू में जो आप लोगों को बताने वाला हूँ कि लेनोवो k8note वाले ने हमसे कितना बड़ा झूठ कहा है, उसको जानने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा फ्लैशबैक में जाना है। फ्लैशबैक के जाना है इसका मतलब ये है, देखिए ये तो गया 1 अप्रैल का अपडेट, ठीक है। तो उसके आप थोड़ा नीचे जाइए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे है, मैं इसको भी सबसे ऊपर लेके दिखाता हूँ। देखिए सबसे ऊपर देखिए लेनोवो k8note एंड्रॉइड 8.0 ओरियो सॉफ्टवेयर रिलीज नोट्स। यहाँ पे भी देखिए 22 जनवरी 2019, यानी कि 2019 इस साल का नया साल का 22 जनवरी को ये रिलीज किया गया था। और यहाँ पे हमें बताया गया था कि यहाँ पे भी एक नया अपडेट आने वाला है, जहाँ पे ठीक है बहुत सारा फीचर हमारे फ़ोन में जो ऐड होने वाला है। जैसे कि मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था कि जैसे कि एंड्रॉइड 8.0 ओरियो रहेगा, लेकिन एंड्रॉइड वर्सन थोड़ा इन्हेंसमेंट होगा, जैसे कि मल्टीटास्किंग फीचर होगा, और इसके बाद नोटिफिकेशन कंट्रोल में इंप्रूव होगा, और बैटरी बैकअप प्रॉब्लम सॉल्व होगा। उसके बाद जो आया था कि सिक्योरिटी पैच है देखिए 5 नवंबर 2018, यानी कि 2018 का ही 5 नवंबर का अपडेट आएगा ये बताया गया था। ठीक है, यानी कि जो पहले अपडेट था वो उसके ऊपर ही थोड़ा चेंज वेंज करके थोड़ा वो अपडेट ही थोड़ा उसको थोड़ा इम्प्रूव करके हमें दूसरा अपडेट आने वाला था। और यहाँ पे नीचे देखिए कि नेटवर्क एंड कॉल इम्प्रूवमेंट्स वी हैव इंट्रोड्यूस्ड चेंजेस दैट इम्प्रूव नेटवर्क एंड कॉल परफॉर्मेंस, यानी कि इसमें वोल्टी आने का चांसेस था। उसके बाद कैमरा इंप्रूवमेंट्स, उसके बाद स्टेबिलिटी इंप्रूवमेंट्स इंक्लूड चेंज दैट फिक्स बग्स एंड इम्प्रूव स्टेबिलिटी ऑफ योर फोन, ठीक है। यानी कि और इसके ऊपर मैंने एक रिव्यू वीडियो बनाया था, शायद आपने देखा होगा। और यानी कि 22 जनवरी 2019 को ये रिलीज किया गया था कि हमारे हम लोगों के फ़ोन में ये वाला सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा, ठीक है। लेकिन अभी जो मेन बात आता है, हो सकता है मुझे पता है आप लोग अभी तक समझ नहीं पाए हो कि मैं आपके सामने क्या प्रेजेंटेशन करना चाह रहा हूँ, लेकिन अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मैं पहले वीडियो के पहले क्या कहा कि लेनोवो वाले हमसे इतना बड़ा झूठ क्यों कहा, तो झूठ यही है कि देखिए जब भी उन्होंने 22 जनवरी 2019 को ये लॉन्च किया था कि ये वाला अपडेट आएगा, लेकिन ये वाला अपडेट अभी तक नहीं आया। लेकिन इस बार जो अपडेट आने वाला है लेनोवो k8note पे, ये वाला अपडेट उन्होंने नहीं भेजा। ये वाला अपडेट के जगह ये वाला अपडेट तो नहीं भेजा, लेकिन ये वाला अपडेट के जगह हमें दूसरा अपडेट दे रहा है, ठीक है। दूसरा अपडेट देखिए यहाँ पे जो है 1 अप्रैल, ओके, जो
जो है कि जीपीएस सिस्टम थोड़ा चेंज होगा और ये होगा, यानी कि उनका झूठ कि तो पकड़ा चुका है मेरे सामने। लेकिन आपको क्या लगता है आप भी जरूर कमेंट में बताओ। देखो मैंने सिर्फ लेने वाले को बदनाम करने के लिए नहीं, मैं बस लेने वाले अगर ये वीडियो लेने वाले टीम तक पहुँचता है बस मैं आप लोगों को इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग जितना कह रहे हो वेबसाइट पर जितना मेंशन कर रहे हो वो थोड़ा आपका जो वादा है उसे पूरा करो, क्योंकि लेनोवो के नोट वाले लेनोवो के नोट फ़ोन वैसे भी तो बहुत प्रॉब्लम चल रहा है और जितना सारा यूजर है इतना 12,000 रुपये खर्च करके फ़ोन खरीदा है, लेकिन उनके फ़ोन में अगर इतना इतना दिक्कत होगा तो कैसे आपका फ़ोन पर ट्रस्ट करेगा। और अगर ऐसे चलते रहेगा तो क्या होगा आने वाले दिन में, क्या आपका कंपनी का फ़ोन कोई और ख़रीदेगा? तो मेरा आप सभी से एक ही विनती है लेनोवो टीम के पास कि प्लीज़ ऐसा मत करो, फ़ोन को थोड़ा और अच्छा बनाओ जैसे कि हर कोई लेनोवो की फ़ैन बन जाए। तो मेरा भी यही गुजारिश है आप सभी से। और तो गाइस आपने समझ गए होंगे कि क्या झूठ उन्होंने कहा है, कि उन्होंने मैं फिर से दिखा दे दूँगा। देखिए यहाँ पे 22 जनवरी को उन्होंने कहा था कि एक अपडेट आएगा जिसमें इतना सारा कॉल इम्प्रूवमेंट और मल्टीटास्किंग फीचर नोटिफिकेशन इतना सारा चेंजेस आएगा, लेकिन ये वाला अपडेट तो उन्होंने भेजा नहीं, लेकिन इस वाले अपडेट की जगह किसी दूसरा अपडेट दे रहा है हम लोगों को, जैसे कि 1 अप्रैल को ये वाला अपडेट हमें देगा। यानी कि जो पहले जो उन्होंने वेबसाइट पे कहा था कि हम आपको ये अपडेट देने वाला है जिसमें से आपका नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्व होगा, मल्टीटास्किंग सॉल्व होगा, नोटिफिकेशन से सॉल्व होगा, नोटिफिकेशन पैनल और बहुत सारा बैटरी बैकअप बढ़ेगा, लेकिन वो वाला अपडेट अभी तक नहीं भेजा हमारे फ़ोन में, लेकिन उस अपडेट की जगह किसी दूसरा अपडेट इस बार कुछ किसी दूसरा अपडेट भेज रहा है जो 1 अप्रैल को लॉन्च हुआ है, जिसके ऊपर मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बता दिया कि इसमें जीपीएस थोड़ा चेंज होगा और थोड़ा स्टेबिलिटी चेंज होगा। तो आप लोग ही बताओ कि उन्होंने अगर अपडेट वो वाला अपडेट नहीं देना था, जैसे कि हाँ मैं तो बहुत खुश हो गया था कि वो इतना अच्छा अपडेट आएगा तो फ़ोन में जितना प्रॉब्लम है बहुत सारा सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग ही बताओ आपको क्या लगता है, आपका क्या राय है, तो कमेंट सेक्शन तो बिल्कुल बिंदास है, वहाँ जाके आप अच्छी तरह से कमेंट कर दीजिए। और मुझे बताओ, देखो मुझे जब पता चला था कि वो वाला अपडेट आएगा तो मैं बहुत खुश हो गया था और मैं इंतजार में था कि वो वाला अपडेट आएगा तो फोन में बहुत सारा बग्स फिक्स हो जाएगा, बहुत जितना सारा प्रॉब्लम है सब कुछ हो सकता है कि सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो वाला अपडेट तो हम लोगों को लेने वाले ने दिया नहीं, मुझे तो निराश कर दिया। हम मुझे पता नहीं कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, और आप लोग भी थोड़ा सोचिए कि वो वाला अपडेट हमें दिया ही नहीं तो निराश कर दिया, लेकिन उस अगर नहीं दिया तो ठीक है, लेकिन उसके जगह किसी दूसरा अपडेट हम लोग को दे रहा है। वो वाला अपडेट पहले उनको ये कहना चाहिए था कि पहले वो अपडेट देना चाहिए था और उसके बाद जो अभी अभी लॉन्च हुआ है कि 1 अप्रैल को लॉन्च हुआ है वेबसाइट पे कि एक नया अपडेट आने वाला है उसके बाद ये वाला अपडेट देना चाहिए था, लेकिन वो लोग जो पहले जो हमें वादा किया था कि इतना कुछ इम्प्रूवमेंट होगा आपके फ़ोन में, इतना 22 जनवरी को एक अपडेट उन्होंने लॉन्च किया था उनकी वेबसाइट पर कि आपके फ़ोन में एक सॉफ्टवेयर अपडेट नया सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा उसमें इतना सारा चेंजेस किया जाएगा, लेकिन वो लोग वादा तो पूरा नहीं किया, वो वाला अपडेट हम लोगों को नहीं दिया, लेकिन उसके जगह हमें कुछ बिना इन्फॉर्म किए उन लोगों को इन्फॉर्म करना चाहिए था कि हम लोगों की इतना सारा प्रॉब्लम है इसके कारण हम लोग इस सॉफ्टवेयर को आप लोगों को नहीं पहुँचा पाया, लेकिन इसको आने वाले दिन पर किसी दिन पे आप लोगों को दे देंगे, लेकिन हमें बिना कुछ इन्फॉर्म किए बिना कुछ कहें वो लोग उस अपडेट की जगह किसी दूसरा अपडेट भेज रहा है। तो गाइस आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मेरा ओपिनियन कैसा आपको लगा तो प्लीज़ बताना, अच्छा लगा तो शेयर करना दोस्तों के साथ, और लाइक वीडियो का अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाना। और मैं लेकिन आप कहोगे कि YouTube पे तो वीडियो बन रहा है, तो YouTube पे तो वीडियो बन रहा है, उन लोग तो खुश हो चुके हैं कि इस फ़ोन में एक नया अपडेट आने वाला है, लेकिन क्या उन्होंने ये कहा है, क्या उनके पास ये सवाल आया है कि जो पहले जो बताया गया था वो सॉफ्टवेयर तो अपग्रेड तो इस बार नहीं आ रहा है, इस बार तो कुछ दूसरा अपडेट आ रहा है। तो गाइस मेरा जो ओपिनियन था मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करो, जितना दोस्तों सबको शेयर करो, और इतना शेयर करो कि कम से कम इस वीडियो लेनोवो टीम तक पहुंच जाए और उन लोगों को भी पता चले कि यार हाँ ऐसा हमें नहीं करना चाहिए था। तो लेनोवो टीम को भी मैं लास्ट यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करो, थोड़ा बहुत अच्छा करो, जितना कह रहे हो उतना कर दो, ठीक है। इसमें क्या आपका ही फायदा है आने वाले दिन में, अगर आपका देखो कुछ व्यूअर्स अगर आपका लेनोवो का फैन हो जाएगा तो आपका ही फायदा है आने वाले दिन में, जितना सारा स्मार्टफोन आप लॉन्च करोगे वो सब अच्छे से वो खरीद लेगा। तो गाइस इतना सारा मुझे डाउट था वो मैंने इस वीडियो को क्लियर कर दिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया, तो लाइक करो प्लीज़ प्लीज़ एक लाइक कर दो और दूसरे का शेयर भी जरूर कर दो।